क्या है मेरे को वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस मूवी की, ये टोकन्स की, जिसका नाम है डेंजर टोकन्स, जहाँ पे 600,000 टोटल टोकन्स होंगे। उसमें से 500,000 जो टोकन्स हैं ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए है पब्लिक में, तो लोग ये 500,000 में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हर एक टोकन की प्राइस जो है 149 रुपीज़, मतलब 150 रुपया पकड़ लो। ओके, तो उसमें से 600,000 में से 500,000 पब्लिक सेल के लिए है, बाकी जो 100,000 टोकन्स हैं वो टीम के लिए है। आरजीवी राम गोपाल वर्मा टीम अलॉन्ग विद एक्टर्स नैना कांगोली, अप्सरा रानी। सो ये बेसिकली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, ये बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस मूवी के बारे में जिसका नाम है डेंजरस। और ये मूवी है राम गोपाल वर्मा जी की, तो आपको पता है कि राम गोपाल वर्मा इज़ वन ऑफ द टॉप बॉलीवुड डायरेक्टर्स रह चुके हैं और बहुत सारी मूवीज़ दी है इन्होंने, सरकार, कंपनी एंड ऑल दैट। नाउ ये इंटरेस्टिंग मेरे को बहुत आइडिया लगा कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी है जिसमें जो लोग हैं मूवीज़ में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और जो बिजनेस कर रही है वो मूवी उसके रेवेन्यू का हिस्सा ले पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो इसको समझते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। तो इन्होंने बोला है कि खतरा, द वर्ल्ड्स फर्स्ट लेस्बियन ड्यूएट सॉन्ग फ्रॉम इंडियाज़ फर्स्ट लेस्बियन लव क्राइम एक्शन फिल्म डेंजरस, रिलीजिंग टुडे 7 PM। तो ये 22 तारीख का न्यूज़ है, 22 अक्टूबर का। स्टारिंग जो एक्टर का नाम है वो है, और इन्होंने यहाँ पे लिंक दिया है कि द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड फॉर सेल एज एन NFT टोकन ऑन ब्लॉकचेन यूजिंग डेंजर टोकन। फॉर डिटेल्स विजिट rgvdangertoken.com, राइट। सो अगर ये वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस तरह से कुछ वेबसाइट दिखती है जहाँ पे आप इसको टोकन्स को लोग बाय और सेल कर पाएंगे। तो इसको समझते हैं बेसिकली ये लोग ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बोला है कि डेंजरस जो ये मूवी है, ओके, विल बी रिलीज इन थिएटर्स एंड ऑल्सो ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। सो ये मूवी रिलीज़ नहीं हुई है, बट ये थिएटर्स में भी रिलीज़ होगी और OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ होगी, एंड also on a streaming platform on a pay-per-view. Okay, so it is like a pay-per-view, मतलब जिसको देखना है वो पे करेगा और ये मूवीज देखेगा, ओके, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे और एन OTT प्लेटफॉर्म। सो ओके, सो 3 मॉडल हैं। पे-पर-व्यू होगा, ओके, सो जितनी बार जिसको देखना है वो पे करेगा, मूवी देखेगा, OTT प्लेटफॉर्म और ऑल्सो इन थिएटर्स। ओके, सो थिएटर्स में 3 मॉडल हो गए। ओके, गुड। The revenue generated will be received by all the partners as per their investment ratio. Okay, it can be watched by paying in tokens or rupees or dollars or any other currency, potentially including crypto and danger token. So I think जिनके पास जो token holders होंगे वो भी इसको देख पाएंगे, जहाँ तक ये मुझे मैं समझ पा रहा हूँ। Okay, अब इन्होंने बोला है कि बेसिकली कि ये जो रेवेन्यू जनरेट होगा, राइट, यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, द रेवेन्यू जनरेटेड विल बी रिसीव्ड बाय ऑल द पार्टनर्स एज पर द इन्वेस्टमेंट रेशियोज। जिन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टमेंट किया है उस तरह से उनको रेवेन्यू रिसीव होगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आई गेस। इन्होंने बोला है, सो फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी पीपल माइट वॉच। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कितने लोग देखेंगे। तो इन्होंने बोला है कि बस एक फॉरेनर मूवी करके एक शॉर्ट फिल्म थी, उसको 5 करोड़ लोगों ने देखा था और अभी भी लोग उसको देख रहे हैं। पेपर व्यू है, आई गेस। पेपर व्यू मतलब पेपर व्यू वही होता है कि आपको देखना है तो पे करो और देखो मूवी, राइट। इन्होंने बोला है कि इवन 1% ऑफ दोज, अगर 5 करोड़ में से 1% पब्लिक भी अगर डेंजरस देखती है पेपर व्यू में मॉडल में, तो 10 करोड़ कलेक्ट करेगी ये मूवी। ओके, सो बायर्स डिसीजन कैन बी मेस्ड ऑन द प्रमोशनल मटेरियल ऑफ डेंजरस एंड स्टडी ऑफ सिमिलर फिल्म। सो बेसिकली ये बोल रहे हैं जो भी बाय कर रहा है टोकन वो यहाँ से कैलकुलेशन कर ले कि उसको कितना व्यू आएंगे और कितना उसको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा इन्होंने एक डैशबोर्ड बनाएंगे। सो इन्होंने डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पे मूवी कितना बिजनेस कर रही है, पेपर व्यू में कितना बिजनेस कर रही है, थिएटर कलेक्शन कितना कर रही है, OTT में कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये सारा का डिटेल्स यहाँ पे होगा। और वो जो रेवेन्यू है, जितने भी टोकन होल्डर्स हैं, वो टोकन कैसे बाय करना है मैं आपको दिखाता हूँ आगे, बट जितने भी ये टोकन होल्डर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इज़ वॉट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ओके, सो विच इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो इन्होंने लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट, कहाँ गया वो, ओके, सो यस हियर। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम गेट योर डेंजरस NFT नाउ, सो पे विथ क्रिप्टो एंड पे विथ कार्ड। ओके, सो क्रिप्टो से भी लोग बाय कर सकते हैं। तो क्रिप्टो जैसे आप क्लिक करोगे वैसे ही OpenSea के मार्केट प्लेस पर जाता है और यहाँ पे आप देखोगे तो 169 लोगों ने यहाँ पे बाय किया हुआ है OpenSea पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडेड 0.78 एंड बाय द वे ये मैटिक नेटवर्क पे है, तो अगर आप बाय करने जाओगे तो लेट्स से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ तो सीधे मेरे को वॉलेट में लेके जाएगा और मेरे को ये डिडक्ट हो जाएगा मैटिक से। ओके, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी फ़ीस बिल्कुल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अच्छा हुआ मैटिक नेटवर्क पे, अगर इथेरियम नेटवर्क पे होती तो अफोर्डेबल था ही नहीं। तो बहुत ईजिली यहाँ से बाय मैंने बाय कर लिया, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़े ईजिली बाय कर पाओगे। 149 रुपीज़ का एक है, तो आप इथेरियम में कैलकुलेशन कर लो 0.0005 ईथ का कुछ पड़ता है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ जैसे मैंने बताया यहाँ पे इन्होंने फीएट का ऑप्शन भी दिया है, तो लोग यहाँ पे फीएट से भी बाय कर सकते हैं। सो 10 का 11499 हो रहा है, अगर एक करोगे आप तो 149 होगा यहाँ पे, आई गेस यस 149। ओके, सो एनीवे so each buyer will be given special publicity material which he can use in his own way to promote the film in whatever appropriate manner he or she feels. Now एक चीज़ आपको जाननी है कि ये मूवी जो है it is based, it's a lesbian movie और you know जो कम्युनिटी है काफ़ी लोग I'm sure जो सपोर्ट करते हैं, राइट? तो जो सपोर्टर्स हैं उनके I'm sure वो लोग ये टोकन में बाय करेंगे, वो उसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए, राइट? तो काफ़ी लोग इसको प्रमोट करेंगे मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट लेस्बियन मूवी जो ब्लॉकचेन पे है थ्रू एनएफटी है, तो मे बी इसका इम्पोर्टेंस आगे जाके हम लोग को मिल सकता है। एक चीज़ आपको और देखनी ज़रूरी है जो मैंने ट्वीट किया था कि यार जब ऐसे सब्जेक्ट की बात आती है तो यू नो काफ़ी टाइम पे होता है कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस उसको सपोर्ट करेगा मूवी को, क्योंकि सारे प्रोडक्शन हाउस को बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, राइट? तो बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेज उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे मूवीज़ को फंड करना चाहते हैं, राइट? और फिर थिएटर कौन से दिखाएंगे, मतलब थिएटर भी बिजनेस कर रहे हैं, तो वो उनका डिसीजन होता है कि कोई मूवी शो करना है या नहीं करना है। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे कैसे एनएफटीज़ के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू ये दोनों को टैकल किया जा सकता है, जहाँ पे कम्युनिटी फंड कर सकती है, कम्युनिटी ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एनएफटी के थ्रू, सॉरी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वॉच करने का थ्रू सीधा एनएफटी के साथ हो सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं और जो डायरेक्टर लोग हैं वो अपनी मूवीज़ की एनएफटी क्रिएट करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि आप मेरी एनएफटी में इन्वेस्टमेंट करो, बाय करो, जो भी मूवी बिजनेस करेगी आप उसको शेयर मिलेगा या फिर जो भी मॉडल हो सकता है। यू नो एक जो दूसरा मॉडल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट वन, ओके, ऑफकोर्स ये इंडिया में फर्स्ट है, बॉलीवुड में फर्स्ट, यस, बट अगर हॉलीवुड में आपको दिखाऊंगा तो मैं 2-3 महीने पहले आप कवर किया था कि स्टोनर कैट्स करके एक मूवी है, बेसिकली ये सीरीज़ है और ये स्टोनर कैट्स वही देख पाएगा जिसके पास एनएफटीज़ हो, ओके। और इसके जो इसको वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं वो काफ़ी एश्टन क्लचर हैं, मीला कुलिनी से, जो सुपरस्टार्स हैं बेसिकली हॉलीवुड के, राइट? और ये कैसे काम करता है कि जिनके पास भी एनएफटी है, राइट, वही ये देख पा रहा है, वही सीरीज़ देख पा रहा है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं इसको वॉच नाउ पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो ये मुझे क्या बोल रहा है कि यू शुड हैव द टोकन, राइट, बाय ए टोकन, मतलब जिनके पास टोकन है वही ये स्टोनर कैट्स देख पा रहा है, जो अगेन मूवी टाइप ही आप बोल सकते हो। तो ओवरऑल मुझे लगता है कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है जहाँ पे मूवीज़ को एनएफटाइज किया जा रहा है और लोगों को बोला जा रहा है कि यू नो आप शेयर मिल सकता है आपको ये मूवीज़ में, आप प्रॉफिट के हिस्सा बन सकते हो। अगेन ये कितना लेजिट होगा आगे जाके और कितना इस काम आएगा, कितना सचमुच में यू नो ये शेयर होगा रेवेन्यू, वो तो बहुत बड़ा सवाल है। बट मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा आइडिया लगा, बहुत यूनिक आइडिया लगा। और एनएफटीज़ के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू कोई भी सब्जेक्ट की मूवी को फंड किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, उसको सपोर्ट मिल सकता है। मूवी में यू नो एनएफटीज़ के थ्रू शेयर भी रख सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये सब सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जस्ट इन केस अगर आपको देखना है तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।